अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये बैग मेरे पास मिक्स बेरीज़ का है, फ्रोज़न बेरीज़ हैं इसके अंदर, ब्लू बेरीज़ और क्रैनबेरीज़, रेसबेरीज़, सब कुछ है, हर तरह की बेरीज़ है। तो अब ये मैंने बैग ऑलरेडी लेकर रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बेरीज़ कभी कभी मिलती हैं, तो ये मुझे सीजनल तो मिल नहीं रही थी, स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं कभी कभी, तो वो भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये बैग में ले लेती हूँ ताकि काम आ जाए, तो मुझे अच्छा लगता है ड्रिंक्स वगैरह बनाना, स्मूदीज़ और मोहितोज़। तो मैं आपके साथ आज एक मिक्स बेरी मोहितो बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि समर के लिए बहुत ही क्विक और ईजी ड्रिंक है। आप लोग ईजीली घर पर बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रोज़न, अगर नहीं भी है तो स्ट्रॉबेरीज आप फ्रेश ले लीजिए, जो आपको फ्रूट चाहिए उसके साथ आप ये बना सकते हैं। ये आपने इसके अंदर बेरीज़ डाल देनी है। मैंने थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट कर दी थी, बाहर रखी हुई थी थोड़ी देर से, तो अब थोड़ी नरम हो गई हैं। तो अब इसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो ये देखें, बिल्कुल फ्रेश लग रही है, और ये खाने में भी बहुत सावर नहीं थी। तो आई वुड प्रेफर कि आप ये लेकर आएँ और रखा करें, और योगर्ट में मिक्स करें, ब्रेकफास्ट के भी मील्स में डाल सकते हैं आप लोग, सीरियल्स में ऐड कर सकते हैं। एनीवेज़ अब इसके अंदर हम लोग लेमन जूस डालेंगे। लेमन इज़ अराउंड लाइक 4 to 5 छोटे लेमन थे, तो आपने बस इसके अंदर जूस डालना है, और अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब कि सारी बेरीज़ विद लेमन पील आप इसको ब्लेंड कर दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा सॉलिड फ्रूट अच्छा लगता है, अगर आपको मतलब टेस्ट आता है फ्रूट का, आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे होते हैं और फ्लेवर भी आ रहा होता है, और मुझे वैसे ही बेरीज़ बहुत पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह बनाना। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको मोटा मोटा बाद में जो है वो क्रश करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, ना मैं ब्लेंडर में कर रही हूँ। अभी इसका जूस निकाल लिया हम लोगों ने, इसमें थोड़े से बिल्कुल ज़रा से हम लोगों को मिंट लीव्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। ये देखें बस ये थोड़े से मैंने डाले हैं, और ये क्वान्टिटी तकरीबन सिर्फ 3 to 4 ग्लास की बन जाएगी, 6 ग्लास की भी हो सकती है अगर आप चाहें तो, इसको उस सर्विंग में भी कर सकते हैं। अब ये देखें हमारी बेरीज़ जो थी सारी मिक्स बेरीज़, वो हमने क्रश कर ली हैं मिंट लीव्स के साथ और लेमन जूस के साथ, और अब हम इसकी सर्विंग तैयार कर रहे हैं। सर्विंग के लिए आप कोई भी ग्लास ले लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों की सर्विंग करनी है तो आप एक जग ले सकते हैं, 1 लीटर के लिए इनफ है ये, और आप इसके अंदर कोई भी ग्लास हो उसको आपने अच्छी तरह आइस क्यूब से फिल कर देना है, क्योंकि ये जितनी चिल होगी उतनी अच्छी लगेगी। इसके साथ आप सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कलिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई जैसे 7 अप होती है या स्प्राइट होती है, कोई भी ऐसा ड्रिंक ले लें जो थोड़ा सा मतलब फिजी ड्रिंक हो, तो आप इसमें ऐड करेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन स्पेशली इट गोज़ विद सोडा वाटर और स्प्राइट और 7 अप, तो आप कोई भी इस तरह का ले सकते हैं। इसमें आपने आइस डाल के मिंट लीव्स डालने हैं, और मैंने लेमन स्लाइस किए हुए हैं तो वो आप ऐड कर दें, और उसके बाद इसमें ये देखें मैं ये जो हमने फ्रेश बनाया था ये बेरीज जो हमने क्रश की थी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ग्लास जो था वो बड़ा है, तो सर्विंग तकरीबन मतलब 2 पर्सन की है, लेकिन 1 ग्लास है, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से मैंने जो है ऐड किया है। अदरवाइज़ इसमें आप, मैंने आपको बताया 3 से 4 या 5 से 6 ग्लास भी रेडी हो सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ, मैंने स्प्राइट ऐड की है, आप सोडा वाटर यूज़ करें बहुत अच्छा लगता है, और इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही रिफ्रेशिंग है, यू विल लव इट, इट्स लाइक एन एग्जॉटिक ड्रिंक। और आप घर में बनाएंगे और आपको लगेगा जैसे आप कहीं और मतलब बाहर कहीं पी रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में पी रहे हैं, एंड इट्स रियली डिलिशियस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू वॉन्ट टू बीट द हीट यू शुड जस्ट स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़, इंशाल्लाह बहुत सारी चिल रेसिपीज़ के साथ आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रिंक पसंद आया होगा। डू ट्राई एट होम, और आपको ट्राई करना मस्ट है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कैसा बना है। तो एनीवेज़ आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होती है विद अ न्यू रेसिपी एंड न्यू फ्लेवर एंड न्यू वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।